से लगता है, ऑलवेज फील्स गुड यार. आई मीन क्योंकि अपने लोगों की अगर कुछ भी सीरीज हो, म्यूजिक एल्बम, व्हाटएवर इट इज, ऑलवेज फील्स गुड यार. डेफिनेटली, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड कम एंड सपोर्ट. या या, ऑलवेज बी देयर. वेल, हो सकता है हम लोग साथ में देख रहे कुछ अच्छा नया आ रहा हो दोनों का. डेफिनेटली, एंड वी डिड आल्सो समथिंग टुगेदर ऑफ कोर्स, एंड इन फ्यूचर वी विल बी देयर. या, थैंक्स मैन. थैंक यू सो मच. Such late, the makers of Akhri Sach, Nikhil ji and everybody, बहुत बहुत बधाई हो हॉटस्टार की पूरी टीम को. ये बुरारी कांड जो आया है, Akhri Sach, तमन्ना भाटिया, अभिषेक, सब ने बहुत अच्छा काम किया. बहुत बहुत बधाई हो. और ये टीम ने पूरा मिलके बहुत अच्छा बनाया है पूरा सबको, और आगे भी बनाएंगे. थैंक यू एवरीवन. और आप सबको खाना नाश्ता वगैरह मिला, पानी वानी सब, पूरा खाना वाना खा के जाना है आप लोगों ने. ठीक है जी, रितेश को बोला हुआ है. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. सी, आई नॉट सीन टिल नाउ, बट इतना नाम सुना है कि अभी इतना मन हो रहा है कि आज ही देखूँ मैं. बट आज ही इवेंट अटेंड किया मैंने, बट आज जाकर देखूँगी मैं. देन आई लेट यू नो कि एक्चुअली मैं भी वेब सीरीज कर रही हूँ एक, बट थोड़े लेट से मैं आई इन्फॉर्म यू. प्राउड तो, प्राउड वाली तो बात ही है, बिकॉज इतना हिट शो है, लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑफ द कंट्री है, तो डेफिनेटली मज़ा आता है, सुन के भी अच्छा लगता है. लोग इतना प्यार करते हैं एक एक कैरेक्टर्स को, तो मैं उस शो का हिस्सा रही हूँ कभी, तो अच्छा लगता है सुन के. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. एब्सोल्युटली, सिंस आई हैव ऑल्सो एंटर्ड वेब सीरीज नाउ, सो इट्स माई अरीना एंड आई एम रियली एक्साइटेड. I didn't get your question. Yes, I think OTT is the future, and a great amount of content is coming, and it's very good to see, you know, opportunities are for all the actors and a wide variety of roles are there, so it's, I think it's the best time for actors. On my work front, so on Amazon Prime, my web series Campus Beats has released, and another web series which is directed by Prakash Jha is going to release in coming months, which is going to be my debut actually, but this one released first, so I'm really excited for my debut web release in coming months. Oh, I'm also waiting, but hopefully soon, fingers are crossed. Thank you. I still remember your book. Oh yeah, man. The longest running show ever. Haan ji. I'll see you inside. बस आई वुड लव टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. मैंने प्रोमोज देखे हैं, पहला एपिसोड आज देखा. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. शायद घर जाके पूरा सीरीज देख लूँगा, बट इट्स लुकिंग फैंटास्टिक, सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ये उज्जवल जी हमारे दोस्त, पुराने दोस्त, ही इज़ पार्ट ऑफ इट, ही इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स अ प्लेजर यार, ऑलवेज. Very soon, very soon, very soon. Keep your televisions on. OTT or movies देखते रहना बहुत जल्दी. Yeah. Definitely, I feel Hotstar काफ़ी quality shows लेके आ रहा है, and I wish them all the very best. And yeah, they're doing a great job here. So. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनी थी फिल्म, एंड
एंड अभी तक जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, इट इज़ अ लवली फिल्म एंड आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी, आपने फुकरे 3 देखी कि नहीं देखी? तो बस अभी तो फुकरे 3 ही चल रहा है और कुछ है एक दो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बट अभी सिर्फ फुकरे 3। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक वील क्रॉस 100 crores। आई थिंक हम लोग 100 crore क्लब में आ जाएंगे नेक्स्ट वीक तक एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मृग सर आर डायरेक्टर एंड द एंटायर एक्सेल टीम एंड ऑल द 4 फुकराज। बहुत बहुत खुशी होती है आई गेस फॉर एन एक्टर, किसी भी चीज़ से ज़्यादा ये इस बात की खुशी होती है कि आपका जो जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत करी है उसको लोगों ने देखा, उनको उसको पसंद किया। सो आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा किसी चीज़ की और हैप्पीनेस हो सकती है। इस शो के लिए डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स मिले क्योंकि जनरली जब भी हम कुछ कमर्शियल कुछ लेवल का शूट करते हैं तो उसके लिए आता है लुकिंग वेरी ग्रेट, हैंडसम, बहुत अच्छी लव स्टोरी थी, बट दिस सब्जेक्ट वॉज सच अ हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट कि जिसने भी देखा या जिसने भी पूरा शो देखा या जिस कैरेक्टर को देखा या जो सिचुएशन थी उसको देखा, उनको बहुत ही हार्ड हिटिंग लगा। एंड एक वेब देखने वालों की एक ऑडियंस अलग है जो वेब सीरीज़ देखती है, उनको बहुत पसंद आया एंड मुझे खुद भी, मैंने देखा, आई जस्ट लव्ड इट एंड बहुत ही ऑनेस्ट शो है एंड बहुत ही हार्ड हिटिंग शो है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देखिए आखिरी सच। क्या डिफरेंस महसूस किया एज एन एक्टर, टीवी में आपने काम किया था वो जी बिल्कुल नया जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी डिफरेंस था क्योंकि मेरा जैसे जो टेलीविजन में जितने भी लास्ट शोज थे उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी अलग था एंड वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ टीम एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हमारी जो आखिरी सच की टीम थी वो इतनी ऑनेस्ट थी, इतनी प्रिपेयर्ड थी कि उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। वेदर इट इज़ हमारे जो डायरेक्टर हैं रॉबी सर, नीति प्रीति, निखिल सर, एवरीबडी, इवन द प्रोडक्शन, इवन द क्रिएटिव्स, एक्टर्स, तमन्ना, अभिषेक, प्रीति एंड ऑल द कास्ट, लव्ड इट। जी चूज़ी, आई डोंट नो, मुझे लोग कहते हैं मैं पहले से ही चूज़ी हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई डू व्हाट आई लव। मुझे आखिरी सच बहुत पसंद आया था, मैंने बहुत दिल से किया। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है आई एम श्योर वो भी बहुत दिल से होगा एंड कोशिश करेंगे और एक लेवल और रेस करें। हाँ, एक फिल्म है अभी जिस पर काम चल रहा है, अभी उसका टाइटल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है तो अभी नाम लेना गलत होगा, बट बहुत जल्द मेरे ख्याल से अर्ली 2024 में सबको पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और फिल्म बहुत अच्छी है, लाइक इट वाज अ फिल्म एंड ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट। अभी मैं करना चाहती हूँ शेयर, बट दिस इज नॉट द टाइम, वेटिंग फॉर माय टाइम। वेब सीरीज का हिट हुआ डिज्नी हॉटस्टार का, ये है तो लोगों को कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं दोनों तमन्ना भाटिया जी को आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश कि ये और भी सक्सेसफुल होती रहे एंड ऐसा कंटेंट आता रहे मार्केट में, लोग एंजॉय करते हैं। मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा फैशन वीक हमने अनाउंस कर दिया है, इंडियन ब्यूटिशियन अवार्ड प्लस फैशन वीक होने वाला है लोखंडवाला में है, 3-4-5 लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के अंदर कर रहे हैं हम ग्रैंड लेवल पे। वी आर एक्सपेक्टिंग 145 सेलिब्रिटीज इन एयर एंड वी हैव अवार्ड शो एज वेल, सो मेनी क्राउड वी आर एक्सपेक्टिंग। So Aakhri Sach is I think a little unconventional type of a series and which is very good that Bollywood is venturing out into concept art and much more than the other filmy masala as well and showing more and more international sort of content. So I think it's a big step up in Bollywood and I absolutely loved it. And I feel that Tamanna Bhatia and Abhishek Banerjee is a very unusual cast. क्योंकि मैं कास्टिंग करता हूँ पिछले 28 सालों से, तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक कास्ट एंड दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, सो आई विश द टीम ऑफ आखिरी सच ऑल द वेरी बेस्ट एंड निखिल माय वेरी डियर फ्रेंड हुज अ प्रोड्यूसर ऑफ द सीरीज, ऑल द वेरी बेस्ट निखिल फॉर ऑल योर फ्यूचर वर्क। यस, ऑल द वेरी बेस्ट निखिल एंड अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्शन। थैंक यू।
बात है पूरी टीम के लिए, फॉर ऑल द एक्टर्स, फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर द डायरेक्टर्स. शो हिट हुआ है तो आई एम श्योर ऑडियंस के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, बट एज आर्टिस्ट हमारे लिए भी शूट करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव. तमन्ना को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, मेरी फेवरेट स्टार है वो. ऐसा लगता है कि मेरी बहन है, मतलब थोड़ा सा एक लगता है मुझे, वो इतना अच्छा काम कर रही है. और आखिरी सच हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरी सच है क्या. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम. थैंक यू. थैंक यू. एक्चुअली मैंने ये जस्ट देखी अभी एंड आई एम सो हैप्पी. ऐसी स्टोरीज हमें बहुत कम देखने के लिए मिल रही है, बट थैंकफुली बॉलीवुड अब और इंकरेज कर रही है ऐसी स्ट्रॉन्ग मोटिव पिक्चर बनाएंगे, नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जिससे हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिले. एंड आई गेस ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है. मेरे पिटारे बॉक्स में अभी कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच. आई होप आप सबको भी मज़ा आ रहा हो. तमन्ना को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, मेरी फेवरेट स्टार है वो. ऐसा लगता है कि मेरी बहन है, मतलब थोड़ा सा एक लगता है मुझे, वो इतना अच्छा काम कर रही है. और आखिरी सच हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरी सच है क्या. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम. थैंक यू. थैंक यू. आखिरी सच की जर्नी बहुत स्ट्रांग रही है. आई मीन कोविड में कोई खुशखबरी मिली थी तो खुशखबरी ये मिली थी कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया हॉटस्टार की तरफ से. एंड आई थिंक पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है. रॉबी अग्रवाल ने बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्ट किया है. तमन्ना पहली बार कॉप प्ले कर रही है. आई थिंक अभिषेक के लिए भी एक नया रोल था. तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है. एक सच्ची घटना को हमने एक अच्छा रूप दिया तो अच्छा लग रहा है बहुत. थैंक यू. थैंक यू फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं द प्रोड्यूसर्स निखिल नंदा एंड उज्जवल. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. आई एम रेवलिंग इन देयर सक्सेस. सो वांट टू कंग्रेचुलेट देम, द एंटायर स्टार कास्ट एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स द टीम ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार. Yes, it's been a boon, not just for the audience, but for everyone associated with the entertainment business. Actors, of course, have benefited a lot because अभी इतना ज़्यादा content बन रहा है, अच्छा content बन रहा है, अलग हटके content बन रहा है. तो creativity पे कोई पाबंदी नहीं है. Directors and script writers, spot boys, vanity vans, all are booked. So it's a good sign for the industry. It's great that everybody is getting so much work. And more importantly, I think the creativity is really blossoming. So I'm really, really happy about it. And it's a great time to be an actor and a part of the industry. And what's happening on the profession? Lots is happening. I've got 3 shows myself that are ready for release. One on Z5, and I should say that name in front of the Hotstar team. A couple of more and a couple of films as well. So and it's great that the cinemas are now back up and rocking. So. It's a great time all around. Thank you. और जब इतने क्लोज दोस्तों का प्रोजेक्ट हो देन यू नो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है टू कम एंड सपोर्ट देम. बट मुझे जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छी लगी सीरीज. मैंने बिंज वॉच करी पूरी, 2 दिन में खत्म कर दी. आई एम वेरी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशंस. आई एम श्योर सब लोग सेकेंड सीजन के लिए एक्साइटेड है. I am very happy और खुद भी OTT में काम करते हैं. मुझे लगता है कि this was much needed, specially for actors, and I think it's an encouragement. इतने सारे platforms आ गए, so congratulations to the entire team of Hotstar and Aakhri Sach. Thank you very much. बस मेरा शो स्टार्ट हो जाएगा 15th से शूट कर रही हूँ. एंड थैंक यू गाइज मेरे सॉन्ग को ट्रेंडिंग करने के लिए पवन सिंह जी के साथ. एंड एक और सॉन्ग शूट कर रहे हैं हम दोनों, क्योंकि लोगों को जोड़ी इतनी अच्छी लगी. So thank you so much guys, keep loving me and yes, naya show jo
And we love you too. We love you. Thank you. Come, come thank back. You guys, thank you. मैं आप सब लोगों को अपने साथ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हमारा पहला शो आखिरी सच जो हॉटस्टार के डाटा के हिसाब से 300%, दैट मीन्स 300% ऑफ द टारगेटेड रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड बाय दिस शो. ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इसी तरह से रिसर्च बेस्ड एंटरटेनमेंट हम लोगों के लिए लाते रहे. और ऑलरेडी 2 से 3 शो हमारे ग्रीनलिट हैं जिसके बारे में हम आने वाले सही समय पर आप सब लोगों को बताएंगे, और वो भी क्राइम थ्रिलर्स है और रियल स्टोरीज पे बेस्ड है जिस तरह से आखिरी सच था. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए और हमारे साथ इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए. थैंक यू. इट्स अ वेरी रियलिस्टिक ड्रामा. जो असल में हुआ है वो है बुरारी केस. एंड मतलब जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया विदाउट यू नो एनी इसको कमर्शियल ना बनाते हुए द वे इट वॉज बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली और आई हैव सीन दिस केस फ्रॉम वेरी क्लोज बाय. एंड द वे दे हैव टेकन केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टोरी ऑफ द होल थिंग दैट इज कमेंडेबल. दैट इज अमेजिंग. वेरी नाइस सीरीज. आई गॉट अ चांस टू वॉच द फुल सीरीज. बहुत अच्छा लगा. तमन्ना डिड अ फैब जॉब. It's written very well and hopefully there's season 2. yes, Rishabh is coming up next year, so hopefully you guys like it and 2 more singles. Bye. The response for the show, I mean, feels really good and nice. Jitne apne mehnat ki hai show mein wo nikal ke aayi hai. People ka response hai bahut acha hai logon ka. So feels really good. Thank you so much. अच्छा ये लग रहा है कि मतलब एक कहानी आप बताना चाहते थे तो बताई गई है अपने तरीके से और लोगों को पसंद आई है. उससे बेटर क्या हो सकता है फिल्म मेकर के लिए, स्टोरी टेलर के लिए. अभी बहुत कुछ हो रहा है बट मतलब वो बाद में डिस्कस करेंगे, अनाउंस करेंगे. बट हाँ बट बहुत अच्छा. जितने लोग आ रहे हैं हमारी खुशी में शामिल हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है. मतलब यू नो इट्स नाइस टू सी पीपल कमिंग एंड सॉर एंजॉइंग द सक्सेस विद अस. इट्स अ लवली फीलिंग. सो या आई थिंक इट्स नाइस. थैंक यू. आई थिंक द पार्टी इज फैंटास्टिक एंड डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट सक्सेस बैश फॉर आखिरी सच. सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन देयर. Of course, I think it's different from conventional Bollywood, more than Mirch Masala. I am so happy that the new Bollywood is about content, being international, being more about acting driven. So I'm very, very happy. And Tamanna did a great job, even Abhishek Banerjee. So I'm so happy for them. I think OTT has opened up an entire genre for the content writers, for new producers, new actors to show their talent, and there are like a lot of more platforms as well where we can showcase what we have and the skills and art work that we have learned. And also Disney Plus Hotstar is a great platform where you see international shows and shows like Aakhri Sach. So I'm very, very happy to be a part of this, to attend the success bash of Aakhri Sach. So my new music video is going to come out and soon you guys will be there and it'll show the dark side of love. I hope you guys enjoy my music video that's going to come out soon. Thank you all.